और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहराइच से ये बड़ी खबर है। यहाँ पर जो भेड़ियों का आतंक है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। वैरायटी में बघेरे को यहाँ पर जो है घेरा गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बघेरे का खौफ भी अब यहाँ पर सामने आ रहा है। तो एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, एमएनआईटी में अब बघेरे घूमते नजर आ रहे हैं और ऐसे में छात्रों की जो जान है वो दांव पर लगी हुई है। एमएनआईटी प्रशासन, वन विभाग कब जागेगा, इसको लेकर सवाल है। एमएनआईटी में पिछले एक सप्ताह में बघेरे का मोमेंट देखने को मिल रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में एमएनआईटी में जो बघेरा है उसका खौफ देखने को मिल रहा है। अब जरा सोचिए, एमएनआईटी के अंदर खुले में ये बघेरा जो है वो पिछले एक सप्ताह से विचरण कर रहा है। वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान पर लगातार खतरा बना हुआ है, छात्रों की जान दांव पर लगी हुई है। लेकिन सवाल ये कि एमएनआईटी प्रशासन जो है वो कब जागेगा, वन विभाग जो है वो कब जागेंगे। एमएनआईटी में पिछले एक सप्ताह से बघेरे का मोमेंट बना हुआ है। सहयोगी काशीराम हमारे साथ फोन लाइन पर है। काशीराम, एक सप्ताह हो चले हैं, बघेरे का मोमेंट लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिर उसे पकड़ा क्यों नहीं जा सका है, रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा रहा उसका? जी देखिए अंकुर, ये जो पूरा घटनाक्रम है एमएनआईटी जैसी जगह पर है जो कि केंद्र सरकार का संस्थान है और जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, और कहा यह जाता है कि यहां पर बगैर सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जो छात्र यहां पढ़ते हैं उनकी जान इन दिनों संकट में है। यहां पर जो एक बघेरा है और एक शावक है जो कि लगातार घूम रहे हैं, उनका मूवमेंट बढ़ा हुआ है, और मादा वगैरह है जो कि पिछले कई दिन से लगातार यहाँ पर देखी जा रही है, उसका मूवमेंट बढ़ा है। वन विभाग की तरफ से भी कवायद जारी है, उन्होंने एक पिंजरा लगा दिया है, लेकिन इसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए और या फिर उसको ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास जो होने चाहिए वो ऐसे कोई प्रयास नहीं हो रहे। केवल एक पिंजरा लगा करके छोड़ दिया गया है कि उसमें जब आएगा वगैरह तो वो फंस जाएगा और उसके बाद उसको पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर एमएनआईटी प्रशासन की हम बात करें तो उन्होंने जो छात्रों की जान संकट में है, छात्र खौफ के बीच में जी रहे हैं क्योंकि हॉस्टल है यहाँ पर बड़ी संख्या में और जिनमें छात्र बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, उन हॉस्टल्स के पास में ही मूवमेंट देखा गया वगैरह का, और जब उनके परिजन या उनसे मिलना आना चाहते हैं तो उन परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक पिंजरा लगाकर खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन छात्रों की जो जान है उस पर दांव पर वो जो जान को लगा रही है, बिल्कुल भी सीरियसली पूरे मामले को नहीं लिया जा रहा है। ठीक है काशीराम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।